इंडिया अघाड़ी की महत्वपूर्ण बैठक ली गई और पत्रकार परिषद के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर विधायक सुभाष धोटे ने भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त होने की बात कही। तो आइए सुनते हैं इस संदर्भ में विधायक सुभाष धोटे ने क्या कहा स्वयं उन्हीं की जुबानी। इंडिया अघाड़ी की आज महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई जिसमें लोकसभा चुनाव के संबंध में रणनीति तैयार की गई। किस प्रकार से चंद्रपुर लोकसभा पर एक बार फिर इंडिया अघाड़ी का उम्मीदवार विजयी हो इस संबंध में निर्णय लिया गया। साथ ही इस दौरान ली गई पत्र परिषद में जिसमें विधायक प्रतिभा धानोरकर के साथ विधायक सुभाष धोटे भी मौजूद थे, जब मीडिया प्रतिनिधियों ने राज्य के वन सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने पर जब प्रश्न पूछा तो विधायक सुभाष धोटे काफी बिफर गए और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ग्रामीण अंचल में भाजपा के उम्मीदवार को लेकर बहुत बड़ी नाराजगी है और उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि इस लोकसभा में उनकी जमानत जब्त होगी। तो सुनिए इस संबंध में विधायक सुभाष धोटे ने क्या कहा। उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार नाव येतात सगळ्या ग्रामीण भागामध्ये फटाके फोडतात लोक, आमचा काही ओळख नाही, आमचा काही संबंध नाही, त्याला येऊ द्या, आता कसा येते आम्ही पाहून घेतो, म्हणून इतका मोठा असंतोष आहे। तुम्ही तुम्हाला इथं चंद्रपुरला दिसते सुधीर मुनगंटीवार, तुम्ही जाऊन बाहेर बघा युती युतीमध्ये जेवढे जेवढे त्यांनी प्रॉमिस केले एक पण पूर्ण केलं नाही, त्याची जमानत जप्त होईल बघा तुम्ही। सी टी व्ही के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव गारकर की रिपोर्ट।